बताओ ना प्रभु, कब दोगे मेरे प्रश्नों का उत्तर? शीघ्र ही मेरे सखा आने वाले हैं, तब तक आप खेलोगे मेरे साथ? ये कौन सा खेल खेल रहे हो नारायण? इतना तो बता दो कि मेरे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? बस कुछ समय की प्रतीक्षा और शेष है उड़ना, तुमने शीघ्र ही सब कुछ पता चल जाएगा। मैया ने शीघ्र आने को कही थी, ना आओगे तो दंड मिलेगो। दंड? हाँ। मुझे तो आज ही मिलो है। एक से बीस तक पहाड़े सुनाने चे, ने ना सुना पायो। दंड तो मुझे भी मिला था, बीस उठक बैठक कराई थी मैया ने। मेरी सोचो, दो गुना दंड मिलतो है मुझे। कभी मैया उल्टी टांग पे खड़ा कर देती है, तो कभी दादी सीधी टांग पे। अच्छा ये ना संतुलन बन जाते हुए। तो क्या सबको अपनी मैया से दंड मिलता है? हाँ। दाऊ आपको भी? हाँ मिलता तो है। क्यों, तुम्हें कभी दंड नहीं मिला का ना? हाँ एक बार कान पकड़ा था मैया ने, और एक बार डांटा भी था, पर दंड तो कभी ना मिलो। वैसे कहा ना, दंड का भी एक लाभ होता है। लाभ? हाँ, सारी माए पहले दंड देती है और फिर दो गुना प्रेम करती है। जितना बड़ा दंड उतना देर ज्यादा प्रेम। तो मैं भी आप जाके मैया से बहुत सारा दंड मांगूंगा। मांगने से ना मिलते है दंड, वो तो कछु गड़बड़ करे तो मैया अपने आप ही दे देती है। अरे कान्हा कहाँ चले? अपनी मैया से दंड मांगने। मैया की ममता और उसके सारे रूप देखने के लिए ही तो जन्म लिया है मैंने। तो मैया से दंड पाने और उस दंड के बाद दो गुना स्नेह पाने से वंचित क्यों रहूं? मुझे भी दंड चाहिए। श्री हरि, श्री नारायण। क्या हुआ प्रभु, रुक क्यों गए? मुझे लगा कोई मुझे पुकार रो है। श्री हरि, आज तो बहुत विलंब हो गया है। शीघ्र ही तैयार होके सारे कार्य भी निपटाने हैं। जे गजरा, मत से जान की कर रह गया होगो, कान्हा से भिजवा देती हूँ। अरे ये तो मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारे केसों में सच करना जे और भी सुंदर हो जाएगा। जे आप लेके आए हो सच्ची? हाय कितनी भाग्यवान हूँ मैं, आज कितने माह के बाद, माह ही ना कितने वर्षों बाद मेरे पति देव को जो स्मृति आई है कि मुझे गजरे कितने प्रिय हैं। इतने प्रेम से लायो फिर भी ताना मार रही है। ताने ही में तो चुको है क्या? क्या? अब आप मुझे तैयार होने दो, पक्का पहनूंगी।
मांगने से नाम मिलता है दंड। वो तो कछु गड़बड़ करे तो मैया अपने आप ही दे देती है। लल्ला छोड़ दे, तेरे बाबा बहुत प्रेम से लाए, मिलने दे। कान्हा क्षमा करना मैया, मैंने आपका गजरा गिरा दिया, ये तो गंदा हो गया, अब आप मुझे दंड दोगी? इतनी छोटी सी बात के लिए मैं अपने लल्ला को दंड क्यों दूंगी भला? इसे धो के पहन लूंगी, अब इसे छुइयो मती, बहुत विशेष है जी। लो कर लो बात, मैया ने तो दंड दिया ही नहीं, कुछ बड़ा करना होगो। ऐसी कौन सी शरारत करूं कि मैया से दंड मिल जाए? सुनो जी, इतनी सारी माखन की मटकियां बाहर रख रो, भूला और बंसी सगड़ में रखवा देंगे, निकट के गांव में सूखे का प्रकोप बढ़ गो, तनिक सहायता हो जाएगी। ध्यान से जी, अभी अभी पूरा घर स्वच्छ किया मैंने। पापा ठहरो, मैं भी आपकी सहायता करता हूँ। अरे काना रहने दे। अभी तो सच हुआ था, मैंने फिर से गंदा कर दियो, अब तो पक्का दंड हो गया। कोई बात ना है लल्ला, तेरी भावना तो अच्छी थी ना, वो ही महत्वपूर्ण है, स्वच्छ तो फिर हो जाएगा। जा पूछने के लिए एक वस्त्र ले। मैया ये वाला? ना ना, इतना सुंदर मलमल का वस्त्र है, उसे व्यर्थ क्यों करे? अरे छोटा सा वस्त्र है यशोदा, क्या कार्य आएगो? क्या पतो, कभी अवसर पड़े पे कार्य आ ही गया तो। मैया भी ना कितने जो जाती है वस्त्रों से भी, ये सब मुझे जब छोड़ना हो तब तो कैसे संभालेगी स्वयं को? लगता है फिर से तीव्र स्वर में बोल दियो मैंने, ये ठीक है भैया? हाँ जे वाला ले आ। ला दे। ऐसा क्यों कहा इन्होंने, क्या ये कोई संकेत है? क्या काना कोई संकेत दे रहा है? ले मौसी, काना मिट्टी क्यों खोद रहे तू? मिट्टी? कान्हा कछु ना है, छोड़ उसे। क्या आवश्यक है बाबा? अच्छा ठीक,
कान्हा तू सही कह रहा है, कछु तो है यहाँ। नंद भवन लिखी हुई सिला जी, या कहां से आई? बाबा जहां हम होंगे वही तो नंद भवन होगो, चाहे गोकुल में हो या कहीं और। कहीं और? सुब सुब बोल लल्ला, जे गोकुल ही तो हमारा घर है, हम कहीं और क्यों जाने लगे भला? भवन बनते समय रह गई होगी जी। ये भवन तो दशकों पहले बना है, तब से ये यहाँ कैसे पड़ी हो सकती? नंदराज, नंदराज, उपनंद जी का संदेशा आयो है, उन्होंने आपको छोटे तालाब पे बुलायो अभी अतिशीघ्र। मैया से दंड प्राप्त करना सरल ना है, वैसे इतना श्रम तो माखन चुराने में भी ना लगतो, मैं तो थक गो। मिट्टी खोद खोद के थकान हो गई लल्ला, और भूख भी लग गई। ले ले माखन खा ले। ना, मुझे दूध भी पीनो है। अभी खा ले लल्ला, थोड़ी देर में दूध औंट के दे दूंगी। ले। मुझे दूध ही चाहिए है भैया। अच्छा देती हूँ, थोड़ी देर ठहर जा। मैया अभी तो ना तीव्र भूख लगी है। अच्छा रुक, अभी ला रही हूँ। ऐसा दृश्य तो पहले कभी ना देखो। गोकुल के आसपास जितने भी गांव हैं, सभी के तालाब ऐसे ही सूख गए नंदराज। कुएं का जल भी बहुत गहराई में उतर गया है, और इस बार तो ठीक से वर्षा भी ना हुई। क्या विचार है नंद? हमें गांव वालों को इस संकट के बारे में सूचित कर देना चाहिए, ताकि वो इसके लिए तैयार हो सके। नहीं भैया, अभी गोकुल के पास अपनी गैयाओं को चराने के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध है, जलाशय और कुओं में जल भी है। ऐसे में इतनी शीघ्र उन्हें बताने से सब लोग घबरा जाएंगे। हाँ, तो उन्हें ना बताना ही सही होगा। सही तो यह होगा भैया कि हम इस संकट का समाधान निकाल लें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ले, ना अधिक गर्म है ना अधिक ठंडा, पी ले। क्या हुआ लल्ला? अभी तो दूध पीना था, अब पी क्यों ना रहा? पीनो है तो आपके हाथ से आज पी ले लल्ला, देख मैया को कितना काम पड़ो है। शीघ्र पिलाओ ना मैया, फिर खेलना भी जानू है। तू मेरा अच्छा लल्ला है ना, आज पी ले, कल मैया अपने हाथ से पिलाएगी। आप पिलाओगी तब भी पेट भरेगा।
ना तो मैं भूखा ही रह जाऊंगी। बहुत चतुर है तू, कुछ ना कुछ करके अपनी बात मनवा ही लेते हो। आजा, शीघ्र पी ले, नटखट कहीं का। हे नारायण, दूध औटने के बाद हांडी चूल्हे पे ही छोड़ दिए। उतर 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 लल्ला। मैया को कोई मेरी चिंता ही ना है, केवल गजरा मक्खन वस्त्र माखन और दूध महत्वपूर्ण है इनके लिए। और क्या था होगा? कोई भगवान को छोड़कर सांसारिक वस्तुओं की ओर भागेगो तो भगवान तो रुष्ट होंगे ही, पर ये कान्हा रुष्ट होकर करने क्या वाले हैं? मैया को आजकल मेरी चिंता ही न रहती। आओ वानर महाराज, तुम ही मेरे सच्ची मित्र हो, इसीलिए केवल तुम आयो मेरा कष्ट आधा करने। पता है मैया का मन भर गया है मुझसे, तभी तो मैं मेरी छाया मेरी भू इन सबके स्थान पर अन्य वस्तुएं महत्वपूर्ण हो गई है उनके लिए, इसीलिए पूरा भी दूध ना पिलाया, बीच में उठ के चली गई। जिसका दूध तो इधर ही रहेगा। अभी तक देखो पूछने भी ना आई। अरे मेरे पास तो इतना ही था। अच्छा है सखा, और वैसे यही तो था भूखों की सहायता करने के लिए। पूना मौसी, ये किसने करो? कान्हा,
मत ही मानो, पर जब ये अपने ही घर में चोरी करेगा ना, तब मानना पड़ेगा जशोदा जी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.